बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया बेटिंग ऐप घोटाले में फंस चुकी हैं। एक्ट्रेस गुरुवार को गुवाहाटी में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुई। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी द्वारा बुलाए जाने के बाद तमन्ना भाटिया अपनी मां के साथ गुवाहाटी पहुंचे। इससे पहले भी तमन्ना भाटिया से महादेव बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ की गई थी। बता दें कि इस ऐप के जरिए कथित तौर पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को चूना लगाया जाता था। खबरों के मुताबिक तमन्ना भाटिया को HPZ टोकन ऐप से जुड़े एक कार्यक्रम में सेलिब्रिटी अपीयरेंस के लिए पैसे मिले थे। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तमन्ना के खिलाफ कोई भी गंभीर आरोप नहीं है। उन्हें पहले भी बुलाया जा चुका था लेकिन काम की वजह से वह नहीं जा सकी थी, इसीलिए अब तमन्ना गुरुवार को असम के गुवाहाटी में ईडी दफ्तर पहुंची हुई थी। HPZ टोकन एक मोबाइल ऐप है जिसमें कई तरह की गेम्स होते हैं। आरोप है कि इस ऐप के जरिए लोगों को 57,000 रुपए लगाने पर हर रोज 4,000 रुपए देने का वादा करके करोड़ों रुपए ठगे गए। ठगी के लिए शेल कंपनियों के नाम पर फर्जी अकाउंट अलग अलग बैंकों में खोले गए जिनमें इन्वेस्टर्स के पैसे ट्रांसफर करवाए गए। उन पैसों को आरोपियों ने क्रिप्टो और बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और महादेव जैसी कई बेटिंग ऐप पर पैसा लगाया। बता दें तमन्ना भाटिया का नाम महादेव बेटिंग ऐप मामले में जुड़ा हुआ है। एक्ट्रेस के अलावा इस मामले में एक्टर रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर जैसे कुल 17 स्टार से पूछताछ पिछले साल की गई थी। आरोप था कि उन सभी ने ऐप को प्रमोट किया था और इसके विज्ञापनों में दिखाई दिए थे। वहीं महादेव बेटिंग ऐप से भी HPZ ऐप के तार जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाती बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।